वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मुफ्ती साहब, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ा मसला है, हमारी जो यंगर जनरेशन है, पहली बात तो ये उनके रिश्तों के लिए, उनकी शादियों के लिए पेरेंट्स को बहुत परेशान होना पड़ता है, तो ये फरमाइए कि इसको किस तरह हम पेरेंट्स के लिए आसान कर सकते हैं, किस तरह ये शादी ब्याह के मसले को हम उनके लिए एक परेशानी का बायस बनने की बजाय उनको रहनुमाई कर सकते हैं कि किस तरह वो अपने इन मसाइल को आसान करें अपने लिए। बहुत अच्छा टॉपिक उठाया और वाकई ये शब व रोज़ घरों का ये मसला है, और जैसे कि मेरी पब्लिक डीलिंग है, लोग आते हैं तो उनको यही इश्काल रहता है, बस औकात वालदे एक जगह रिश्ता करना चाहते हैं, औलाद नहीं चाहती, औलाद एक जगह रिश्ता करना चाहती, वालदेन नहीं चाहते, तो ये बड़ा आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है इस सिलसिले में। उसमें यह सबसे बड़ी चीज़, उसमें इस्लाम की जो वसत, शरीयत की जो इजाज़त है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए दीन इस्लाम ने इस हवाले से लड़का लड़की को भी कुछ इख्तियार दिए हैं, इसी तरह जो है वो माँ बाप को भी बहसियत वली के उनको भी कुछ इख्तियार दिए हैं। उन इख्तियार को उस शरी और इस्लामी वसत के तहत इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की बदमजगी पैदा नहीं होगी। लिहाजा लड़की जब बालिग हो जाती है, आकिल हो जाती है, तो उसको ये ऑप्शन होता है कि वो वालदैन को अपना मंशा जाहिर कर सकती है कि मैं फ़लाँ लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अब वालदैन को इतना तो हक बनता है उस लड़के को एनालाइज कर लें कि वो लड़का जो है किस लेवल का है, हमारे साथ उसका कुफर जोड़ है या नहीं, क्योंकि असल में बात यह है कि शरीयत ने एक कुफ का मसला रखा है, जोड़ का मसला रखा कि लड़का लड़की दोनों जोड़ के होने चाहिए, वो लड़का जो है लड़की से कमतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोड़ का ताल्लुक लड़की की तरफ से है, लड़के की तरफ से नहीं है। यानी लड़का जो है लड़की से कमतर ना हो, और लड़की लड़के से कमतर हो तो कोई बात नहीं। उस हवाले से सरकार द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुख्तलिफ चीज़ें हमें बताई हैं और फुका ने उसको तफसील से वाजे किया। उनके अंदर ये एक तो दीन ईमान की बात है, दीन ईमान के एतबार से दोनों का लेवल एक होना चाहिए, दूसरा उनका हसब नसब के एतबार से उनका लेवल एक होना चाहिए, इसी तरीके से उनका जो पेशा और कारोबार के एतबार से लेवल एक होना चाहिए, इसी तरीके से उनका मालदारी के एतबार से लेवल एक होना चाहिए, है इसी तरह का दीनदारी के एतबार से उनका लेवल एक होना चाहिए। तो गोया कि ये पांच वो चीज़ें हैं, इन पांचों को देखकर जो ये लेवल का हिसाब किया जाए और अब जो है उस लड़का लड़की का इंतखाब किया जाए। लेकिन होता ही है कि आजकल जो है आजकल सबसे एक ही चीज़ देखी जाती है, वो दौलत, बस दौलत को देखकर फैसले किए जाते हैं और किसी चीज़ को नहीं देखा जाता। यहाँ तक कि ये तालीम का एक बहाना होता है कि पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का अगर कंगाल मिले तो कोई नहीं करता, पढ़ा लिखा अगर कंगाल मिल जाए तो कह जी कंगोल है डॉक्टर, लेकिन ये जाब नहीं है जी, की करता है टैक्सी चलाता है, कोई लड़की नहीं देता, तो पढ़े लिखे की बात आप फिर क्यों खाम खा करते हैं जी। सैयद लड़का चाहिए, सैयद शामा दा मुंडा चाहिए, अब शामा दा मुंडा मुफलत गरीब या किसी को आले रसूल का ख्याल नहीं आएगा, कोई नहीं देता। ये तो हमारी सुबह शाम की डीलिंग है, सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो दौलत और माल। दौलत और माल की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं कि दौलत और माल कितना है, अगर मालदार है तो फिर ना उसकी डिग्री देखी जाती है कितना पढ़ा लिखा है, ना उसकी कोई और हसब नसब देखा जाता है कि ये किस नसब का और किस ख़ानदान का और किस फैमिली का लड़का है, बस मालदार है जी, खांदा पींदा है, कई मुरब्बे ज़मीन थे, कई मकान थे, कई दुकाना तो यहाँ अमरीका में है, और जी साल दे ढाई तीन लाख डॉलर बनाता है, हैं तो नतीजा ये को लड़की दे देते हैं। अब चूंकि आपस में कंपेटिटिव नहीं होता, वो रिश्ता जोड़ का नहीं होता, जैसा कि दीन ने कहा है जब जोड़ का नहीं होता तो बेजोड़, जब आप पहिए डाल देंगे गाड़ी में तो फिर वही बात है कि साइकिल के अंदर एक पहिया आप डाल दें ट्रैक्टर का और दूसरा पहिया डाल दें आप जो है वो स्कूटर का, तो क्या ख्याल है कैसी चलेगी साइकिल। तो मालूम हुआ कि पहिए दोनों बराबर हो गए तो गाड़ी चलती है, लिहाजा इसीलिए यहाँ ज़िंदगी गाड़ी उस वक्त सही चलती है जब दोनों कंपेटिटिव होते हैं, दोनों जो इसको कुफ का मसला बोलते हैं, ये कुफ का मसला है। तो कुफ का मसला जब हो, कुफ के मुताबिक अगर फैसले किए जाएं तो इंशाल्लाह जो है वो दोनों ख़ानदानों के लिए राहत का ज़रिया भी बनता है और इंशाल्लाह किसी को किसी पर एतराज़ भी नहीं होगा।